हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एडवेंचर लवर है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज मैं आपको लेके चलने वाली हूँ एक ऐसे बीच जहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स बहुत सस्ते हैं। नहीं नहीं, ये कोई गोवा नहीं है, ये है गणपति पुले जो कि मुंबई और पुणे के आसपास है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम सब यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, हम गुहागर में थे और अभी निकल गए गुहागर से हम जाने के लिए गणपति फुले। और अभी कुछ एक घंटा और बता रहा है, बहुत तेज हो गई है, लेकिन कार में अच्छा लग रहा है। और हम दोनों का ब्रेकफास्ट हो गया था, कीवी ने नहीं उतना खाया था। तो ये देखिए, कीवी आज भी कार में इंजॉय कर रही है मेथी की पूरी। फ्रेंड्स देखिए, ये रास्ता कैसा है, एकदम चनातनी वाली और सामने एकदम समुद्र दिख रहा है। कितने प्यारे लग रहे ना हमें, ये बहुत शानदार शानदार फील आ रहा है ना। गुहागर से गणपति पुले की जो डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर के आसपास है। और ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, मतलब एक साइड पूरा आपके ओशन और बीच रहेगा और एक तरफ रोड रहेगा। फ्रेंड्स, ये तो फिर से एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई। हम लोगों को लगा था कि हम बाय रोड ही जाएंगे पूरा, लेकिन यहाँ पर जेटी का रास्ता था और यहाँ हम जा रहे हैं जेटी से जयगढ़ तक। वहाँ से 19 किलोमीटर बता रहे हैं गणपति पुले। तो कार से जेटी में फर्स्ट टाइम, ये भी हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और आपको भी बताते हैं। हमारी कार ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है। कीवी सरप्राइज, आप तो कार में बैठे थे, आप एकदम से कैसे आए इधर? तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है जेटी पे। आप नीचे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और ऊपर बैठने का होता है, वहाँ से आप व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, हमारी यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है। हम यहाँ पर यही डिस्कस कर रहे थे कि कितना अनएक्सपेक्टेड था, हमने इसके बारे में सोचा नहीं था और वो हो गया, तो अच्छा भी लग रहा था। और एकदम जाते से ही हमें जेटी मिल भी गई, अदरवाइज़ वेट करना पड़ता। और जो इसका टिकट था वो कुछ 200 रुपीज़ था। जब जेटी से निकले थे वहाँ से गणपति पुले 19 किलोमीटर बता रहा था। और अभी ये देखो, उंडी बीच है लिखा हुआ है, उंडी बीच। उंडी बीच के पास पहुँच गए हैं और क्या वाइट सैंड है, मस्त एकदम। सच में हम गोवा वाली वाइब जाने लग जाती है ना। ये यहाँ पर घर भी ऐसे बने हैं नारियल के। तो फ्रेंड्स, भूख भूख में मैं तो भूल ही गई लेना। ये हमने मंगवाए हैं जीरा राइस, दाल, आमरस पूरी की थाली जो कि खा चुके हैं। और कीवी एक बार डिंगा चिका कर दे।
चार बज गई है, अभी चलते हैं आराम करेंगे, फिर शाम में लेके चलते हैं आपको गणपति पुले के बीच और गणपति मंदिर। चलिए कहाँ पर है ये? तो अभी हमने चेक इन कर लिया इस रिसॉर्ट में। अगर आपको इस रिसॉर्ट का फुल रिव्यू चाहिए तो हमारे दूसरे चैनल क्रिएटिव बाय बर्थ पे आ चुका है। फ्रेंड्स, इस रिसॉर्ट के सबसे ब्यूटीफुल चीज़ जो है वो यहाँ का व्यू है, बहुत ही शानदार है। आप पूरा रिसॉर्ट का रिव्यू चेक कीजिए तब देखना। कितना प्यारा है, उसके रूम्स को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो फिर ये देखिए कितना ग्रीन है और कितना प्यारा व्यू है। यहाँ से पूरा पूरा ओशन है और इधर से पूरा ग्रीनरी है। मेरी हिम्मत नहीं थी, हिम्मत जवाब दे चुकी थी, हम लोग आ नहीं रहे थे, फाइनली हम लोग आ गए हैं और अभी जा रहे हैं मंदिर। और मंदिर बिल्कुल बीच पे ही लगा हुआ है, गजो गणेश जी का मंदिर है और वहीं से बीच है। और ये एक प्रदक्षिणा मार्ग है जहाँ से लोग प्रदक्षिणा देते हैं, ये जो बता रही हूँ मैं आपको। और अभी जा रहे हैं हम आगे मंदिर और बीच, चलिए आपको भी लेके चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है MTTC का रिज़ॉर्ट जो बिल्कुल बीच से लगा हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ की बुकिंग आपको एक या दो महीने पहले करवानी पड़ती है, अदरवाइज़ यहाँ पर रूम्स नहीं मिलते। फ्रेंड्स देखिए ये है मंदिर का एंट्रेंस, यहाँ से जाना होता है और यहाँ पर आप अपनी चप्पलें छोड़ सकते हैं, ये इनकी तरफ से मुफ्त सेवा। और ये अभी रास्ता है बीच का, हम लोग अभी जा रहे हैं बीच। माय गॉड, फ्रेंड्स यहाँ पर बीच का लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, ये देखिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये बीच इतना पॉपुलर हो चुका है कि यहाँ पर आपको हमेशा रश मिलेगा, हमें बहुत ज़्यादा रश मिला था। और यहाँ पर ही बहुत अच्छी अच्छी वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती है और सबसे अच्छी बात है इन सब का कॉस्ट बहुत रिजनेबल है। यहाँ पर हमने कुछ ऐसी यूनिक राइड देखी थी जो हमने कभी पहले और नहीं देखी थी, जैसे ये ड्रैगन वाली राइड हो गई, सोफ़ा राइड हो गई और एक वो जो रोल घूमने वाली राइड हो गई, इन सब के कॉस्ट जो थे बहुत मिनिमम थे। तो मैं इसी राउंड वाली राइड की बात कर रही थी फ्रेंड्स, इसको हमने देखा था लाइव, बहुत मज़ा आता है, लेकिन हमने ये राइड नहीं करी थी आज, लेकिन हम ये कोई एक राइड करने वाले हैं तो आगे देख के आपको मज़ा आने वाला है। और ये है मेन गणेश जी का मंदिर जो कि बिल्कुल बीच पे लगा हुआ है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम लोग आ गए भैया, बच्चे को बना दो कीवी पहनो। आपको बताना है फ्रेंड्स, अभी हम करने जा रहे हैं ड्रैगन राइड पहली बार से। बहुत ज्यादा भीड़ है, पता नहीं आवाज आ रही है कि नहीं। हमने जो ये ड्रैगन वाली एक्टिविटी की थी फ्रेंड्स, इसके चार्जेस थे 200 पर पर्सन। ऐसे अलग अलग एक्टिविटी के चार्जेस है बट इतने ज़्यादा नहीं है, 150-200 ऐसे ही चार्जेस आपको मिल जाएंगे। सो वी आर रेडी फॉर एडवेंचर और इस बार कीवी के साथ। फ्रेंड हमने ये वाली राइड इसलिए चूज़ की क्योंकि इसमें बच्चे को ले जा सकते थे और बिल्कुल सेफ था, हमने देखने के बाद ही करी और बहुत मज़ा आया है।
ये देखिए बीच समंदर में हम लोग वहाँ पर वीडियो ले रहे, थोड़ा सा एक वीडियो भी ले रहा हूँ। दर्शन करके निकाल दिया है मंदिर, ये पूरा अभी बंद ही रहा है इधर से और पूरे बीच के किनारे पे लगा है, इधर पीछे बीच से उधर मंदिर। तो गाइस देखिए ये है प्रसाद, यहाँ का शीरा है मीठा और चावल है फ्राई करे हुए और उसके साथ अचार दिया हुआ है और ये भंडारा चलता है साल भर और जीरो कॉस्ट यहाँ पे सबको खिलाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ प्लेसेस है जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं सारे पॉइंट्स के नाम। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है खाने के, तो काफी अच्छा हैपनिंग भी लग रहा है ना, ये वेज लगी देखिए पाव भाजी खाती है, बस इनको पाव भाजी पसंद है ना, कल भी पाव भाजी खाई और आज भी पाव भाजी खाती है। हैप्पी बर्थडे मम्मी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मां। तो फ्रेंड्स वाटर स्पोर्ट्स के अलावा यहाँ पर ये सब एक्टिविटी भी होती है, तो ओवरऑल गणपति पुले अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फेमस है इन एक्टिविटी के कारण और सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिजनेबल होती है एक्टिविटी सारी। काजीर भाटी, काजीर भाटी, काजीर भाटी बीच है ये और यहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज होती है ना। अद्विका बीच है ना, हाँ अद्विका बीच याद भी रहेगा ना, उसको पता नहीं चलेगा, अभी उसको पूछा ना मालूम नहीं बोलेगा। मेरी नीस का नाम है अद्विका, अद्विका के नाम पे भी देखिए।
का बीच भी जा रहे हैं थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के लिए, और बहुत काफ़ी अच्छा बीच है जहाँ पर भीड़ कम लगती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर भी सारे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। सबसे बेस्ट है कि यहाँ पर स्कूबा डाइविंग होती है, स्कूबा डाइविंग होती है यहाँ पे अफ्रीका बीच पे, और उधर ले जाते हैं ये कहीं पे, और जो है इसका चार्जेस है 1500 रुपये 15 मिनट का और 2500 रुपये आधे घंटे का। तो फ्रेंड इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। आगे हम जाने वाले बहुत ही अच्छे मैजिक गार्डन में। फ्रेंड्स अगर आपको इसकी पूरी डिटेल्स चाहिए तो नेक्स्ट वाला व्लॉग जरूर देखिए, बहुत ही अच्छी प्लेस है, आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बच्चों को बहुत मजा आएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं आ गई हूँ मैजिक गार्डन और प्राचीन कोंकण। यहाँ पर देखने के लिए म्यूजियम है और एक मैजिक गार्डन है, हॉरर शो है, आपको आगे बताने वाली हूँ।